मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मुंबई गोरेगांव आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसके बाद रात के समय आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई शुरू की गई। जैसे ही पेड़ों की कटाई का वीडियो वायरल हुआ, लोग एक एक कर वहां पहुंचने लगे। लोगों ने आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई और धारा 144 भी लगा दी गई। लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और इसी दौरान समर्थन देने के लिए शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी भी वहां पहुंच गई, साथ ही और भी कई जाने माने सेलिब्रिटी भी वहां पहुंच गए। लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और 800 से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार सेट के लिए 2700 पेड़ों को काटा जाना है, जिसमें से कुछ पेड़ों को रात के समय में काट भी दिया गया। इसका विरोध एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी किया है। आरेची झाड कापणार म्हणून काही जण कार्य करत होते, आरेला उत्तर कार्यने जात होते। आता सगळीकडे झोपारी, कोणी बोलायलाच तयार नाही। संध्याकाळपासून आर्यामध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात झाली। कोणी झाडाला मिठाने मारणार होते, कोणी एकही झाड तोडू देणार नव्हते, कुठेच सगळे। ही झाड कापून मुंबईच्या प्रदूषणामध्ये भर घालण्याचं पाप केलं जाणार आहे। एकाने सांगितलं आम्ही आरे पाडणार, दुसऱ्याने सांगितलं आम्ही आरे पाडू देणार नाही। दोघेही काल एक झाले आणि आरेचं कार्य कार्यचं आरे, आणि आज आदेश आलाय तोडारे। आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पेड़ों की कटाई का विरोध किया है, मगर 24 घंटों में 800 से भी ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया है। सेव आर्य मुहिम से जुड़े पर्यावरण प्रेमियों को वहां से खदेड़ दिया गया और धारा 144 लगा दी गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।